चलिए आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं ऑपरेशन दिल्ली पुलिस, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई अफसर और कांस्टेबल बेनकाब हुए। कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ, किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उसका असर आप देख ही चुके हैं। आइए ये पूरी रिपोर्ट आपको एक बार फिर दिखाते हैं। ये प्रभु अगला एंकर कौन? आतंकवादी पकड़े ना पकड़े, हत्यारे पकड़े ना पकड़े, चाहे ड्रग रैकेट वाले नाक के नीचे से निकल जाएं, बदमाश पकड़े ना पकड़े, लेकिन दिल्ली पुलिस पैसे जरूर पकड़ती है और बहुत कस के पकड़ती है। और पुलिस एक बार पैसा पकड़ ले तो समझ लीजिए कानून आपकी जेब में। FIR दर्ज करवाना हो या नहीं करवाना हो, गलत दर्ज करवाना हो या सही को गलत करवाना हो, किसी बेगुनाह को फंसाना हो और गुनहगार को बचाना हो, एक बार नोट दिल को छू ले तो दिल्ली पुलिस देवता हो जाती है। रिजर्व बैंक वालों को रुपए के इस गुण का तो पता ही नहीं होगा। अजी दरवाजे के पीछे और टेबल के नीचे दिल्ली पुलिस के अवैध टकसाल चलते हैं, टकाटक नोट छापते हैं थानेदार। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली पुलिस के इकबाल और ईमान के रियलिटी टेस्ट पर निकले तो पता चला कि खाकी तो खुले बाजार में खड़ी है, बस बोली लगाने वाला चाहिए। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टरों की टीम सबसे पहले पहुंची पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में। हमारे रिपोर्टर ने थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार को रुपयों की डील की एक बेबुनियाद कहानी सुनाई। रिपोर्टर ने पुलिस से कहा कि उसने अपने परिचित से 2 लाख रुपए की कार खरीदने की डील की है, 80,000 रुपए एडवांस भी दे दिए, लेकिन एडवांस लेते ही कार बेचने वाले की नीयत बदल गई। वो अब न उसे कार दे रहा है, न पेशगी लौटा रहा है और न फोन उठा रहा है। इतना सुनना था कि सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार की आंखें कत्थई से गुलाबी हो गईं। नोट और नियत का बैर इतना दर्शनीय होता है, हमने पहली बार देखा था। हमारा सौदा तकरीबन 2 लाख में हुआ था और मैंने उसको 80,000 रुपये पेमेंट कर दी है। 24 तारीख को मैंने उसको पेमेंट की थी, लेकिन उस दिन के बाद से ना वो अपना फ़ोन उठा रहा है और ना मुझे गाड़ी दी, ना मेरा पैसा वापस दिया है। तो मुझे पैसा कैसे जमा किया था जी? पैसा कैश में दिया था सर उसको। बस आपसे कोई है तो नहीं, मतलब दोस्त पुराना जानने वाला था। कल्याणपुरी के सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बैठे बैठे शिकायतकर्ता की जेब का एक्सरे कर डाला। रिपोर्टर से कहा कि जिसे पैसे दिए हैं उसे थाने बुलवाओ। थोड़ी ही देर में परिचित का भाई बनकर आज तक का दूसरा अंडरकवर रिपोर्टर दारोगा जी के सामने हाजिर हो गया। सारा किस्सा जुबानी था, लेकिन नोट की उम्मीद में दारोगा जी इंसाफ के लिए सागर की लहरों की तरह मचल उठे। भाई को फरमान सुनाया, पैसे वापस करो और थाने आओ। इसके बाद की कहानी अगर प्रेमचंद देख लेते तो गबन जैसे मशहूर उपन्यास का पूरा प्लॉट बदल देते। जरा गौर कीजिए। केस खत्म हो गया, मैंने इसे 45,000 रुपए दे दिया, निकलते 50,000 उसमें से, 5,000 मेरे पास पड़े हैं। मुझे बताइए कि आगे से क्या करना है, आगे क्या करना है? आगे जी पहले मैं इसके निकलते हैं 45 दे चुका हूँ, 80,000 के इसका केस है, 80,000 रुपये मुझे देने थे, 45,000 दे चुका हूँ और उसको 35,000 रुपये इसको और देने हैं। मैं कल दे दूँगा, आपके पास फ़ोन आए तो बोल देना, वैसे मेरी बात हो गई है। ये मत बोलना कि मीटिंग हुई है, ये मत बोलना कि मेरी मीटिंग हुई आपसे। अच्छा, मीटिंग मत बोलिएगा, क्योंकि मीटिंग बोलेंगे तो लगेगा मेरी बातचीत हो गई है। ठीक है, और आपकी फीस क्या है ये बता दीजिए। नहीं, जो मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं करता, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई जैसा सफिशेंट है, जैसा भी तुम्हें लगता है, मैं ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस नहीं है यार, तुम तो रहने से रहने के तो मुँह फाड़ते हैं कि हाँ ये है, तुम्हारा मैटर सोल्व हो गया। आप जो तुम्हें लगता है कि SI साहब की ईमानदारी का नगाड़ा सुनकर निहाल हो जाने को जी करता होगा आपका। भक्त जो चाहे देवता पर चढ़ा दे, वो प्रसन्न हो जाए और देवता खुश तो कानून को मारो दुलत्ती। बस इसमें ना, बस मेरे मेरी जो दरख्वास्त है आपसे, मैं FIR नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि उस तरफ से कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। कितनी
कितनी दिलदार है दिल्ली पुलिस, यूपी वालों की तरह मुंह नहीं खोलती, इशारे में जो मिल जाए उसी पर संतोष कर लेती है। चढ़ावे के इंतजार में दारोगा जी का धैर्य जवाब दे रहा था, इसीलिए अब वो डराने लगे थे। इशारा ये था कि मुट्ठी गर्म नहीं की तो मामला तिहाड़ पहुंच सकता है। छोटा सा केस है, केस तो कोई भी हो, अभी इतना सा चाकू मार दिया तो क्या है, केस नहीं बनेगा कि मुझे अभी बता दो। जो भी है बनता तो कोई, अभी एक फाइल है, एक लड़के के साथ गलत काम कर दिया, उसमें तिहाड़ में जाएगा। एक में 3 साल की सजा है, इसमें 10 साल से लेकर उम्र कद तक की सजा जो मेरी फाइल रखी है, तो प्रोसीजर तो वही है, सब तिहाड़ में जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, उसको कर दो। और तो जरूरत नहीं कोई, नहीं ठीक है जैसा।